अस्सलाम वालेकुम, जुबली मैच एनालिसिस के साथ मैं हूं फैजान नजीब। मेरे साथ हैं फवाद आलम, लाहौर कलंदर्स वर्सेस पेशावर जलमी, एचबीएल पीएसएल 7। फवाद, इससे अच्छा गेम नहीं हो सकता था लीग मैचेस को एंड करने का। बिल्कुल, सब यही चाहते थे कि सुपर ओवर अभी तक नहीं हुआ है। आज अगर मैच शुरू होने से पहले जो बादे खान ने भी जो पिच रिपोर्ट जब दे रहे थे तो वो कह रहे थे कि हम सब भी ये सिर्फ ये चाहते हैं कि बाकी तो टूर्नामेंट डिसाइड हो चुका है, कौन पहुंचना था, कौन बाहर होने थी, सब टीमें हो गई हैं, बस हमें और क्या चीज़ की ज़रूरत है। वो चाहते कि वी ऑल नीड अ सुपर ओवर। तो उनकी ख्वाहिश और उनकी दुआ पूरी हुई और एक क्राउड को जो है एक अच्छा मैच देखने के लिए मिला। डेफिनेटली एक अच्छा मैच मिला। रिजल्ट क्राउड को आई एम श्योर इतना पसंद नहीं आया होगा। लाहौर कलंदर्स के बारे में अगर बात करें, शाहीन अफरीदी ने एंड में जिस तरीके की बैटिंग की है पहले, उस बारे में जरूर मैं आपसे सुनना चाहूंगा। क्या लग रहा था उस वक्त जिस वक्त शाहीन खेल रहे थे? आखिरी ओवर में 24 रन करना बहुत मुश्किल हो, चाहे बैट्समैन हो, चाहे बॉलर खेल रहा हो, चाहे बॉलिंग भी जो कर रहा हो उसके लिए भी मुश्किल होता है। लेकिन जो शाहीन अफरीदी ने बैटिंग की जिस तरह से, तो उसका क्रेडिट जितना भी दें उनको कम है, क्योंकि उनका ये कमाल तो सबसे छुपा हुआ था जो आज उन्होंने कमाल कर दिया अपनी बैटिंग में। ज़बरदस्त बैटिंग की, क्राउड एंटरटेन हुआ, हम सब एंटरटेन हुए, क्रिकेट भी एंटरटेन हुई और एक शाहीन अफरीदी जो है निकल के सामने आया एज अ बैट्समैन। अच्छा, ओवरऑल हम देख रहे हैं द बैटल ऑफ द कैप्टन्स बन गई थी, मैन ऑफ द मैच एंड में वहाब रियाज को मिला, उनकी उस परफॉर्मेंस के बारे में क्या कहेंगे? जितनी तारीफ की जाए वहाब रियाज की कम है, क्योंकि पूरे मैच में ही उन्होंने क्या जबरदस्त बॉलिंग की और बहुत तेज बॉलिंग की आज, और सुपर ओवर तो बड़ा ही कमाल का किया। सिर्फ 5 रन दिए उन्होंने और अपनी टीम के लिए जीत बहुत आसान कर दी अपने बैट्समैनों के लिए, जो कि हमें नजर भी आया। तो ये अच्छा है जलमी के लिए कि वहाब रियाज थोड़ा फॉर्म में नजर आए इस मैच में, कि आगे आने वाले मैचों में उनको बहुत फर्क पड़ेगा उनकी टीम को उससे। बिल्कुल, वहाब रियाज का फॉर्म में आना बहुत जरूरी, बिकॉज कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, जैसे आज शाहीन ने दिखाया कि वो जिस तरीके से टीम को लीड कर रहे थे। कुछ शोएब मलिक के बारे में भी बात करेंगे, एक्सपीरियंस प्लेयर है, बैटिंग में भी आज टॉप स्कोरर रहे वो जलमी की तरफ से, पहली बॉल पर फखर जमान मेन विकेट ली, तो उनके बारे में क्या कहेंगे? उनके बारे में देखिए, हम उनके बारे में क्या कह सकते हैं, अगर आपके पास कुछ लफ्ज़ हैं तो वो मुझे बता दें तो फिर वो ऐड कर देते हैं, क्योंकि अब तो हम क्या कह के बता के भी थक गए उनके बारे में। वो जो कर रहे हैं कमाल कर रहे हैं, चाहे वो बैटिंग कर रहे हैं, चाहे वो बॉलिंग कर रहे हैं, चाहे वो फील्डिंग कर रहे हैं, जो मशवरे दे रहे हैं वहाब रियाज को आके, वो हर चीज़ कमाल ही कर रहे हैं। और उनका HBL PSL, एक उनका और एक जो नया लड़का है हारिस का, वो बहुत ही ज़बरदस्त ही जा रहा है आज। जो जिस तरह से उन्होंने कैच भी पकड़ा जज़ई ने छोड़ के, जिस तरह से हारिस ने वो कैच कर लिया, तो आई थिंक HBL PSL 3-4 प्लेयरों के इर्द गिर्द घूम रहा है, जिसमें से हारिस और शोएब मलिक एक हैं। कुछ प्लेऑफ्स की तरफ बढ़ते हैं, ऑब्वियसली इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस के बारे में तो बात कर ही रहे हैं, प्लेऑफ्स में किस तरीके से देख रहे हैं? मैं फवाद आलम की कुछ प्रेडिक्शंस जानना चाहूंगा। प्लेऑफ स्टार्ट होने वाला है और मुल्तान सुल्तान खेलेगा अगेंस्ट लाहौर कलंदर्स, बड़ा ही कांटे का मैच होने वाला है, क्योंकि सुल्तान जो है 18 पॉइंट लेके पहले नंबर पे है और लाहौर कलंदर्स बड़ा ही फॉर्म में नजर आ रही हैं। लेकिन अक्सर देखा कि लास्ट ईयर भी हमने देखा कि लाहौर कलंदर्स एकदम से नीचे गई थी अपनी परफॉर्मेंस पे, और दूसरी बात यहाँ पर यह भी है कि जो पहले नंबर फिनिश करती है अक्सर वो हम देखते हैं वो मैच हार भी जाती है प्ले ऑफ में आके पहला अपना। तो दोनों के लिए कंपटीशन मेरे ख्याल से एक जैसा है, लेकिन मैच बहुत ज़बरदस्त होने वाला है, हम सब बहुत एंजॉय करने वाले हैं उसको। बातों बातों में मुझे लगा आपने कहा कि शायद लाहौर कलंदर्स को एज लग रही है आपकी तरफ से। देखिए, दोनों टीमें डाउटफुल, तो मैंने आपको कह दिया ना कि अक्सर ऐसा होता है जो पहले नंबर पे आती है वो भी कुछ कर सकती है, और लाहौर कलंदर्स तो आपको पता है कि उनका जो पीछे के स्टैट्स हैं वो माशाल्लाह हैं। सो होपफुली, लेकिन इस साल बड़ा है कलंदर्स ज़बरदस्त खेल रहे हैं, लेकिन इधर कलंदर्स जो है राशिद खान को जरूर मिस करेगा, एक बड़ा मैच आ रहा है और उनका मेन बॉलर मिसिंग है। लेकिन क्रिकेट है जी, किसी के जाने से रुकती नहीं है, उनकी कॉम्बिनेशन अभी बहुत अच्छा है, होपफुली वो इसी से परफॉर्म करें, इसी तरह परफॉर्म करें आगे भी। समझ गए फवाद, कलंदर्स की तरफ इशारा कर रहे हैं मुल्तान के खिलाफ। पेशावर और इस्लामाबाद के मैच के बारे में क्या कहना है? पेशावर और इस्लामाबाद के मैच में मेरे ख्याल से पेशावर का पल्ला भारी है, लेकिन क्योंकि इस्लामाबाद में बहुत सारी चेंजेस हुई हैं, उनका कॉम्बिनेशन अब इस्लामाबाद का कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा, जिसकी वजह से उनको मुश्किलात आ रही हैं। लेकिन जलमी ज़बरदस्त फॉर्म में लग रही है, लेकिन वही बात है, नॉकआउट है, कोई टीम ऑन अ डे बहुत अच्छा खेल लेती है तो कुछ पता नहीं कि इस्लामाबाद जो है अपसेट कर सकती है जलमी को। जी फवाद ने बातों में गोल तो हमें ज़रूर घुमाया, लेकिन क्लियरली बातों के पीछे बोला भी कि कलंदर्स और जलमी, उनको लग रहा है कि ये गेम जीतेंगे। जुबली मैच एनालिसिस में आज इतना ही, वी आर गोइंग टू सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। जुबली इंश्योरेंस, बेफिक्र मुस्तकबिल।